नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं प्रत्युषा आपके साथ। खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। नेशनल ओपन एथलेटिक्स में मैनाना की रेणु प्रजापति ने 13.51 मीटर लंबी लगाई जंप, जीता सिल्वर। ट्रिपल जंप में देश की नंबर वन रैंकिंग की खिलाड़ी है रेणु प्रजापति। भिवानी पहुँचने पर खेल प्रेमियों ने विजेता बेटी का किया भव्य स्वागत। रेणु प्रजापति अपनी स्पीड व स्ट्रेंथ से लड़कों को भी देती है टक्कर। भिवानी देवी सितंबर तेलंगाना के हनमकोंडा वैरंगल में जेएन स्टेडियम में आयोजित 7वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में ट्रिपल जंप में देश की नंबर वन की रैंकिंग की खिलाड़ी गांव मृणाना की बेटी रेणु प्रजापति ने 13.51 मीटर लंबी जंप लगाकर सिल्वर पदक अपने नाम किया। विजेता बेटी रेणु प्रजापति का भिवानी के रेलवे जंक्शन पर पहुंचने पर रेलवे कोच सुरेंद्र शर्मा, ग्रामीणों सहित अन्य खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में होने वाले प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाकर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाने का काम करेंगी। गौरतलब है कि 15 से 19 सितंबर तक तेलंगाना के हनमकोंडा वैरंगल में जेएन स्टेडियम में आयोजित 7वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश भर के एथलेटिक्स खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए गांव मृणाना की बेटी रेणु ने 31.51 मीटर लंबी जंप लगाई तथा सिल्वर पदक हासिल किया। रेणु की जीत पर उनके कोच सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रेणु एक होनहार व मेहनती खिलाड़ी है। रेणु इससे पहले भी कई प्रतियोगिता में देश के लिए अनोखे मेडल जीत चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि वर्ष 2021 के दौरान ही रेणु विभिन्न प्रतियोगिता में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर व 1 कांस्य पदक जीती है। रेणु हरियाणा की इकलौती बेटी है जिन्होंने वर्ष 2021 में इतने मेडल जीते हैं। उन्होंने बताया कि रेणु अपनी स्पीड व स्ट्रेंथ से लेकर लड़कों को भी टक्कर देती थी। वह कठिन परिश्रम करती है तथा कठिन परिश्रम करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। इस मौके पर विजेता खिलाड़ी रेणु ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ में देश को पदक दिलाना है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत करने में जुटी हुई है। अपनी जीत का श्रेय अपने पिता को देते हुए रेणु ने बताया कि उनके पिता मजदूरी का कार्य करते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उन्हें इस लायक बनाया कि वे आज के देश का नाम रोशन कर रही है। इस अवसर पर रेणु के पिता चंद्रपाल, चाचा ओम प्रकाश, मौसी